प्रेमी श्रोतागणों, अब आप सर्वनीर का दूसरा भाग चंदा केसिक के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, बोली का जख्म भरता नहीं, भर जाए शमशीर का, पल में कुछ से कुछ करे कुछ बेराना तकदीर का। आज एक सहारा मिल गया था भटियारी की सराह, लेकिन उस भटियारी ने सर्वनीर और राजा अम्ब को धक्के दे के ताड़ दिया। कवि ने क्या बोल लिखे हैं, भटियारी ने ताड़ दिए दे धक्के मार के। अरे सुत गोदी में लिए भूप चले धीरज धार के, भटियारी ने ताड़ दिए धक्के मार के। सुत गोदी में लिए भूप चले धीरज धार के। संसार कर्म गत रेखा गया सिमट हौसला, गम में यू करने लगे परेखा। जो होनहार रहे होते नाम टल लारी लेखा, हुए जखम घने कर दिले ना भाग किसी ने देखा। काया पलट बदले प्यार के, सुत को दी में लिए भूप चले धीरज धार के। चारा
के सिवा न चारा। होनी ने घर घाल्या रह गे हिम्मत हार के, सतगोदी में लिए भूप चले धीरज धार के। इंसान परीक्षा लेने जीवन का आनंद छिन गया, लग्या दुख का दरिया बहने। सुत पिता को फर संघर्षी चले कर्म यातना सहने। सुख खत्म रास्ता दुख का, लग्या ऋषि पालन यू कहने। ऋषि पालन यू छंद नूपुर झनकार के, सुत गोदी में लिए भूप चले धीरज धार के। भटियारी न ताड़ दिए दे धक्के मार के, सुत गोदी में लिए भूप चले धीरज धार के। मेहरबानों, समय समय की बात है और समय समय का फेर, ये समय बजते सदनु लगे ना कोई देर। तो देखिए आज सौदागर रानी अम्बली को परेशान करता है जहाज में और के कहन लग्या मखोल करता है, लेकिन धर्म नहीं दिखाना चाहती रानी अम्बली। अरियो बन में भरपूर हूर तू, बन से ठानी मेरी। रे मैं पतिव्रता नार दुष्ट तेरी, हो जा डुबा ढेरी रे, हो जा डुबा ढेरी। यो बन में भरपूर हूर तू, बन से ठानी मेरी। मैं पतिव्रता नार दुष्ट तेरी, हो जा डुबा ढेरी, हो जा डुबा ढेरी। सुगड़े अप्सरा जन्नत किया कली कोई गुलशन की। मैं सती वीर सू भारत की, तू भूल मेटिए मन की। देख भमरे का दिल जीत लिया तू, ऐसी बहार चमन की। हर पारा सर की ढाल यूत क्यों, सुध बुध भूल्या तन की, हो रे सुध बुध भूल्या तन की। अरि कश्यप ऋषि आश्रम ते के भग के आई बथेरी। ओहे नारद मुनि ने तिरिया कारण वानर की छवि गेरी। यो बन में भरपूर हूर तू, बन से ठानी मेरी। मैं पतिव्रता नार दुष्ट तेरी, हो जा डुबा ढेरी। और
रात की रानी इंद्राणी, रात की रानी इंद्राणी बन रही है राज महल में। दिखे घोका खाजा चंद्रमा अहिल्या सती गैल में, और कई कई दासी रहा करेंगी तेरी रोज टहल में। वे भस्मासुर से भस्म हुए सतियों के बुरे फैल में, हे सतियों के बुरे फैल में। अरे अर्जुन की जू चहल पहल में, अर्जुन की जू चहल पहल में मत ना लिये देरी। वे द्रौपदी संग छड़ करके मर गए कीचक जैसे केरी। हरी भोगेगी आनंद मेरी दिल जान श्यान इंद्राणी। अरे इंद्राणी संग करके मर जा भूक भूप से तानी। देख दिल वर का दिल बरगी कोयल जैसी मीठी बाणी। सती बीरसी ता कारण रावण की मिट्टी निशानी, हो रावण की मिट्टी निशानी। नैन कटाक्ष मृग नैनियो अदा मारगी तेरी। हर कम जगनी की ढाल सनी की तेरे सर पे फेरी। देख तेरे प्रेम का प्यासा पंछी, तेरे प्रेम का प्यासा पंछी पागल होया परिंदा। यो ते वेद शास्त्र भी साक्षी हो गे बुरा प्रेम का फंदा। तेरा गोरा रूप अनूप देख के हो गया आशिक बंदा। लिख्या राग श्रृंगार होया फिर ऋषि पाल शर्मिंदा। और गाने का धंधा गंदा लई दुनिया देख भतेरी। वे को सुंदर भी बखत पड़े पे बात सुना दे गहरी, हो बात सुना दे गहरी। यो बन में भरपूर हूर तू बन से ठाणी मेरी। मैं पतिव्रता नार दुष्ट तेरी हो जा डुबा ढेरी रे, हो जा डुबा ढेरी। दोस्तों, बोली का जख्म भरता नहीं, भर जाए शमशीर का पल से पल में, कुछ करे कुछ बेराना तकदीर का। दोस्तों, आज तकदीर राजा अंब की कहां घेर के ले आई। राजा अंब दोनों बच्चों को बियाबान जंगल में भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गए। नीर को पार तारने के लिए दूसरे किनारे पहुंच गए और जब वापिस लौट रहे थे, दोस्तों राजा अंब जल में डूब जाते हैं। आज उन असहाय बच्चों का कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था।
मेहरबानो, किस तरह से दोनों बच्चे डर रहे थे। भयानक रात, हवा के झोंके, चीते शेर, जानवरों की दहाड़ें आज उनको भयभीत कर रही थी। सुनिए रागनी के बोल। और सन सन करे समीर भयानक, झुकी रात अंधेरी, रोमे सरवर नीर घाट पे विपद राम ने घेरी। सन सन करे समीर भयानक, झुकी रात अंधेरी, रोमे सरवर नीर घाट पे विपद राम ने घेरी। अरे मानस मति नहीं बन में दुख बाटे कौन विपत में, अल्लड़ मरे घने आने मन परेशान आपत में। दिया बाण जंगल में हृदा कापे था दे सत में, वीर बंधावणी आको न्याय दिखे भरे जगत में। बुरे बखत में साथी ना कोई, बुरे वक्त में साथी ना कोई, निघा राम ने फेरी, रोमे सरवर नीर घाट पे विपद राम ने घेरी। आसमान भी गुंजे था जब चित्ते शेर दहाड़े, धरा दहलती थी मानो गज मस्ती में चिंगाड़े, धरती अंबर गरजे अर फटती चट्टान पहाड़े, जिस पे बीते घोर मुसीबत उसका है दिल जाने। बिना सहारे जाने बालक, बिना सहारे जाने बालक, बड़ी मुसीबत गहरी, तुम्हे सरवर नीर घाट पे विपद राम ने घेरी। परमेश्वर ने रट रे दोनों सरवर नीर अभागी, दुखी आत्मा खड़े घाट पे गर्द सघनी सतागी। नू सोचे बैरण पे माता कैसा भाग लिखागी, हिम्मत ना बोलन तक की काया ने दे सतकागी। हम दोनों निर्भागी ईश्वर, हम दोनों निर्भागी ईश्वर, कैसी लीला तेरी, तुम्हें सरवर नीर घाट पे विपद राम ने घेरी।
सिया राम ने कर दिए न्यारे न्यारे। पलते पता मैं रच दे कुद रच के यशे नजारे। सरवर नीर फकीर बने आज अंब के राज दुलारे। को सुंदर तू गावणी आरे को सुंदर तू गावणी आनु दुनिया प्रे भतेरी। तो मैं सरवर नीर घाट पे जपत राम ने गेरी। सन सन करे समीर भयानक सन सन करे समीर भयानक रात अंधेरी। रोए सरवर नीर घाट पे जपत राम ने गेरी। साथियों, कहीं माँ का दिल भटक रहा, कहीं बेटे बनिया नाथ खड़े। ममता अपना सत बचा रही, सुत दोनों जोड़े हाथ खड़े। मेहरबानो, उधर जहाज में सौदागर महारानी अंबली को परेशान करता है, और उधर दोनों बेटे रानी अंबली के सरवर और नीर दोनों घाट पर भगवान को याद कर रहे थे। परमपिता परमात्मा, हम अभी आने बालक हैं, हमसे ये परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे मेहरबानों, सारी रात बीत जाती है, रात्रि का चौथा पहर होता है। धोबी का वहां पर घाट था, और धोबी कपड़े धोने के लिए जैसे ही सुबह पहर में आया तो किस तरह से उन बच्चों से पूछता है, ख्यालात बदल जाते हैं। बात कहानी कदे घर ते चाले हे हम चार चाले हे हम चार
भटियारी की शरण हमारे फिर पागी हो कुछ दिन रह के ऐसी चोट कसूती लागी माँ छोड़ सरहा में महाराज गर दुखागी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई है पर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज दोनों बच्चों की शान शौकत को देख करके धोबी हैरान रह जाता है। मेहरबानो धोबी के कोई औलाद नहीं। दोनों बच्चों को देख करके एक तरफ दुखी होता है और एक तरफ खुशी होता है कि मैं आज औलाद वाला बन गया और क्या भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान तो इसी तरह से सबको संतान देना। अरे तू सब ने दे औलाद राम हाँ अरे तू सब ने दे
औलाद राम चाहे बुरा दिए या भला दिए धोबी के घर आज अचानक घी के दीपक जला दिए ओ तू सबने दे औलाद राम चाहे बुरा दिए या भला दिए धोबी के घर घी के दीपक आज अचानक जला दिए दशरथ ढाल पाए बेटों को फूला नहीं समाया रे दशरथ ढाल पाए बेटों को फूला नहीं समाया रे कौशल्या बन गई धोवनी कितना लाड़ लड़ाया रे हे ईश्वर तेरी हे ईश्वर तेरी माया हम तो बिना पैर के जला दिए अचानक जला दिए ओ कभी देखते रूप कभी देखे थे भाग कुमारों का कभी देखते रूप कभी देखे थे भाग कुमारों का होया नमक का मोल भाव ऐसा गिर गया छुआरों का ढलका तेज सितारों का सब ढलका तेज सितारों का तन खंभ तलक भी हिला दिए धोबी के घर घी के दीपक आज अचानक जला दिए ओ हो गई खुशी अपार गात में सभी पड़ोसी आए हैं वास देव का रूप धार के हमने बेटे पाए हैं गीत खुशी के रर रर भाई गीत खुशी के गाए हैं रब कलाकार ने तला दिए धोबी के घर आज अचानक घी के दीपक जला दिए पाल सिंह कदे कदी शिव घर से को ना देते हैं उसका छीन उसे देते सब कर्मों का फल लेते हैं गाने के प्रेमी गाने के प्रेमी कहते हैं सुर ताल मधुर सा गला दिए धोबी के घर आज अचानक दिए ओ तू तो सबने दे औलाद राम
चाहे बुरा दिए या भला दिए, धोबी के घर घी के दीपक आज अचानक जला दिए। हो दोस्तों, इंसान सुरखुर होता है हुस्न ढल जाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और ये आंखें फेर ली जाती हैं मतलब निकल जाने के बाद। दोस्तों, आज रानी अमली जहाज में परेशान थी और उधार धोबी दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है, दोस्तों उनका पालन पोषण करता है, और कुछ दिनों के बाद जब वो जवान हो जाते हैं तो वो उन्हें भर्ती कराना चाहता है। याद रखना, राजा अम्ब जो जल में डूब चुके थे उन्हें मच्छेरों ने निकाल लिया। और देखिए, मुल्तान नगर में एक राजा की मृत्यु हो चुकी थी, तो मरते दम उसने ये कहा था कि मेरी अर्थी के सामने जो अजनबी आदमी आ जाए उसी को इस राजधानी का राजा बना देना। दोस्तों, ऐसा ही होता है। आज राजा अम्ब एक अजनबी था, मच्छरों ने जब उसे निकाला तो कुछ समय बाद उसे होश भी आ गया। तो दोस्तों, राजा अम्ब को मुल्तान नगर का बादशाह बना दिया, और उधार धोबी ने दोनों सरवर और नीर को राजा अम्ब की राजधानी में भर्ती कर दिया। तो देखिए, दोनों जवानों को वो चंद्रावर सौदागर अपने जहाज में ड्यूटी के लिए ले जाता है। एक रात का जिक्र, सरवर ने कहा भैया आज कोई ना कोई कहानी कहो। तो नीर ने कहा भैया तुम बड़े हो, तुम ही कह दो। तो उसने कहा दुनिया जगबीती कहती आई है, आज मैं भैया तुझे अपबीती कहानी सुनाऊंगा, और भला कैसे। अमरात सर में हमारी बहुत बड़ी जागी, अरे अब बीती मैं कहूँ रे कहानी, मेरी माँ के जा अमरात सर में हमारी बहुत बड़ी जागी।
सर मारी बहुत बड़ी रे जागी। अब बीती मैं कहूँ रे कहाँ
सम्राट शर्म मारी बहुत बड़ी हीरे जावी। साथियों, सरवर ने अपने छोटे भाई मीर को रात काटने के लिए अपनी अपबीती कथा सुनाई। मेहरबानों, रानी अंबली बिस्तर से उन बोलों को सुनकर के खड़ी हो जाती है। हाय भगवान, मैं जिस तलाश में थी आज वो तेरे लाल सहजादे सरवर नीर तेरे ऊपर पहरा दे रही है। मेहरबानों सोचने लगी, तशब्बुर की दुनिया को गम कैसे कह दूं और तेरे सितम को सितम कैसे कह दूं। मैंने सुना है कि तू बेवफा है, पर ये तो बता कि मैं कैसे कह दूं। मजबूर हो जाती है, कैसे इस हालात को खोलूं। मेहरबानों सुनिए यहां के बोल, क्या माकूल लिखे हैं कवि। अरे पहरेदार सिपाहियां की सुनते ही दर्द कहानी, मन में ममता जाग उठिया, क्या मैं भर गया पानी। पहरेदार सिपाहियां की सुनते ही दर्द कहानी, मन में ममता जाग उठिया, क्या मैं भर गया पानी। ओए मन में करा विचार कौन ये पहरेदार सिपाही, सकल एक सी बता रहे आ बस में भाई भाई। अम्ब पिता का नाम और सगी अम्बली मात बताई, अमृत सरज धानी की कह सारी कथा सुनाई। वे अमृत सरज धानी की कह सारी कथा सुनाई, व्यथा समझ में आई मन में, व्यथा समझ में आई मन में, मगन अम्बली रानी। मन में ममता जाग उठिया, क्या मैं भर गया पानी। विश्वास देखे दोनों के एक से चेहरे, बन के दोनों वीर संतरी जहाज में पहरा दे रे। बीती हुई विपत की पछली रंज कथा ने कह रे, राजघरा के पूत लाडले दोनों बेट मेरे। फिर जानर गे मैं जब यो घर जानर घेरे मैं जब, ता क्या करे आस बेरानी। मन में ममता जाग उठिया, क्या मैं भर गया पानी। मिले जहा
धागे से हुई कितनी खुशी आज मैं फूली नहीं समाई रटे थी राम ही राम रे आज मैं सोचन लगी जी मैं कोन्या खोलू कती राज मैं सही मेरा अंदाज राम की सही मेरा अंदाज राम की लीला मने पछानी मन में ममता जाग उठिया क्या मैं भर गया पानी जागी परेशानी करे प्रार्थना अंबली मेरी सुन दुर्गे महारानी ऐसी कोई विधि बता हम मिल जाती न प्राणी ऋषिपाल सिंह नादानी में ऋषिपाल सिंह नादानी में युत कह गया तर्ज पुरानी ममता जाग उठिया क्या मैं भर गया पानी पहरेदार सिपाहिया की हाँ पहरेदार सिपाहिया की सुनते ही दर्द कहानी मन में ममता जाग उठिया क्या मैं भर गया पानी ने हर किसी का गुंचे मकसद खिलाया है और तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी वो दिन आ जाया। देखिए रानी अंबली ने भेद खोलने के लिए सौदागर का माल समुद्र में डाल दिया और उनकी पेशी करने के लिए दोस्तों जहां राजा अंब मुल्तान नगर के राजा के मरने के बाद थी वहीं पर उनकी पेशी होती है और रानी अंबली को गवाह बनाया जाता है। तो दोस्तों रानी अंबली ने कहा कि जो रात कहानी कह रहे थे उसे सुनाने भेद खुल जाएगा। हर छोड़ के जल में पिताजी बह गए रोते हम दरिया किनारे रह गए छोड़ के जल में पिताजी बह गए क्या करे किस्मत में यही तालिका वक्त की घटना ये हमको गई दिखा रात में भी ये कथा हम कह गए रोते हम दरिया किनारे रह गए छोड़ के जल में पिताजी दरिया किनारे रह गए छोड़ के जल में
बता दिए।